हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाजिया फूड हब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू टिक्की की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चटपटी सी रेसिपी। तो आइए बनाते हैं आलू टिक्की की रेसिपी। रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए देखते हैं मैंने इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। तो इसके लिए देखें, मैंने लिया है ये आलू, ये हाफ के जी आलू है, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और इनकी स्किन को हटा लिया है। और ये मैंने लिए 300 ग्राम दही और इसके अंदर शुगर मिला के इसको मीठा कर लिया है और अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ये हरा धनिया और एक हरी मिर्च, आधी कटोरी है ये सेव, 3 चम्मच है कॉर्नफ्लावर और ये है मीठी चटनी इमली की। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये हरे धनिया की चटनी, ये भुना मसाला और ये थोड़ा सा है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच है भुना मसाला, आधा चम्मच है चाट मसाला और 1 चम्मच है नमक। अब इन आलू को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मैश। तो फोर्क से हम इन्हें करेंगे मैश एकदम अच्छी तरह से, हम इन्हें मैश कर लेंगे। तो ये देखें आलू हो गए अच्छी तरह से मैश। अब इस टाइम पे हम इसमें मिक्स करेंगे ये कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर से ये होता है कि टिक्की में एक क्रिस्पी टेक्सचर आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगने लगती है फिर टिक्की। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे ये 1 चम्मच नमक और ये आधा चम्मच है चाट मसाला और आधा चम्मच है भुना मसाला। फिर इसमें हम डाल देंगे ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर दी है मैंने आलू के अंदर। अब थोड़ा सा पानी हम अप्लाई करेंगे अपने हाथ पर, आलू या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें हमारी टिक्की हाथ में ना चिपके। और फिर हम बना लेंगे छोटी छोटी सी टिक्कियाँ। तो ये देखें इस तरह से जल्दी से एक टिक्की तैयार कर ली है मैंने। और दूसरी भी टिक्की हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी टिक्की भी बना लेंगे। तो ये रेडी हो गई है, तो बाकी की भी सारी हम इसी तरह से बना लेंगे टिक्कियां। तो ये 4 टिक्की मैंने बना ली है, अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। तो इधर पैन रखा है मैंने गैस पर और उसके अंदर डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल और ऑयल हमारा हो गया अच्छी तरह से गर्म। तो अब हम एक एक करके टिक्की इसमें ड्रॉप कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। और एक साइड से हम इन्हें 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आया है। और इनकी साइड को हम दूसरी तरफ से बदल देंगे, चेंज कर देंगे। और दूसरे साइड से हम इन्हें फ्राई करेंगे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे, जिसमें अच्छा वाला डार्क गोल्डन कलर आ जाए। तो 10 मिनट के बाद अब इनकी साइड को फिर चेंज करेंगे। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है गोल्डन। और
और गैस की फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और दूसरी साइड से हम इन्हें फ्राई करेंगे 5 मिनट तक, जिसमें दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद टिक्की एकदम रेडी है, तो हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखें कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो ये टिक्कियां मैंने निकाल ली है प्लेट में, तो अब हम बना लेते हैं चाट, आलू टिक्की की चाट। तो इधर मैंने रखी है 2 प्लेट्स और एक प्लेट में हम रखेंगे 2 टिक्कियां। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे दही, तो दही हमारी मीठी है और एकदम अच्छी तरह से फिटी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने डाला है 3 चम्मच भर के दही। अब फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ये हरे धनिये की चटनी, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है आलू टिक्की चाट में। तो थोड़ा सा बस डालेंगे हम इसे, और फिर हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी। इमली की मीठी चटनी से तो टिक्की में जान आ जाती है, बहुत ही जबरदस्त लगती है। और फिर हम इसमें डालेंगे ये भुना मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हल्का हल्का सा बस स्प्रिंकल करेंगे, और ये लाल मिर्च थोड़ी सी बस डाल देंगे, हल्की हल्की सी। और ये सेब, इससे भी टेस्ट काफी अच्छा मिलेगा हमें टिक्की में। और फिर लास्ट पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, ये देखें रेडी कर ली है मैंने 2 प्लेटें टिक्की की। तो कैसी लगी आपको टिक्की चाट की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो एक बार जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।